हरिका स्वस्ति भूषण माता जी, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं माता जी से अपरिचित हूँ और ये भी नहीं कह सकता हूँ कि माता जी से बहुत ज्यादा परिचित हूँ। नाम सुना है, शायद एक आध बार कभी मुलाकात हुई होगी, लेकिन उनके व्यक्तित्व से ज्यादा परिचित नहीं हूँ। लेकिन उनके कृतित्व ने उनके व्यक्तित्व को ऊंचा उठा दिया है। एक आरिका के पद पर रहकर, एक नारी के उच्च पद पर रहकर उन्होंने वह काम किया है अपनी श्रद्धा से, अपनी लगन से, अपने कार्य कौशल से कि राजस्थान में जहाजपुर में एक जहाज मंदिर का उन्होंने निर्माण किया है। वह भूमि बड़ी पवित्र है, वहां पर आए दिन प्रतिमाएं जमीन से प्रकट होती रहती हैं। मुनीश्वर नाथ भगवान की जिनमें महिमा को माता जी ने पूरे देश में फैलाया है, बड़ी अद्भुत प्रतिमा है, मन को हरण करने वाली है। मैंने उन्हें नहीं देखा, उनके दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ वहाँ से मुझे चित्रों के माध्यम से उस प्रतिमा का आकर्षण बना हुआ है। तो माता जी ने अपने प्रभावना को, अपने विस्तार को संकुचित करके बहुत लंबे समय से जहाजपुर जैसे वीरान क्षेत्र में अपना समय दिया, अपना सब कुछ छोड़ करके सर्वस्व मुनीश्वर नाथ भगवान के चरणों में समर्पित किया। और आज एक जो काम उन्होंने किया है जहाज मंदिर बना करके, वह जैन समाज के लिए अद्भुत मिसाल है। माता जी का 51वां जन्मोत्सव है, जन्मदिन है, और मैं यही कहता हूँ कि जो उन्होंने जहाजपुर मंदिर बनाया है जहाजपुर में, तो जिस तरह से जहाज मंदिर उन्होंने बनाया है, मैं मुनीश्वर नाथ भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि माता जी ने जैसे जहाज मंदिर पर आपको प्रतिष्ठित किया है, एक दिन माता जी की जहाज भी किनारे आपको लगाना है। माता जी का सभी लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, मैं भी उन्हें अपने आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। माता जी इसी तरह से जिन शासन की महिमा को बढ़ाते रहे, अपने कृतित्व से, अपनी वाणी से, अपने विचारों से, अपनी साधना से ऐसे जिन शासन के ध्वज को आकाश में लहराएं, यह मैं अपेक्षा माता जी से रखूंगा। और कह सकता हूं कि उनके जैसा त्याग, उनके जैसा समर्पण, उनके जैसा किसी तीर्थ के जीर्णोद्धार की ललक अन्य आरिकाओं में शायद दिखाई ना दे, ज्ञानमती माता जी ने जो किया है उसी चिन्ह पर चढ़कर माता जी ने यह काम किया। बहुत बहुत उनके कार्यों की मैं अनुमोदना करता हूँ और उनके इस समर्पण को, इस परिश्रम को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। माता जी अपनी मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरे आशीर्वाद स्वीकार।